फायरिंग चेक करो ना एक बार सही। ओ भाई साहब, ये टायर से और इंजन से तो मुझे हंटर ही लग रहा है। पूरा खोल दिया है इसको तो, पूरा खोल दिया है, इसके सब पार्ट यहाँ पे। याद रखनी है, उसके अलावा सर्विसिंग का कोई ऑयल वगैरह उन्होंने अच्छे से ठीक से फिल कर दिया है। खर्चा मेरे को आया है। वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग, सबका फिर से एक बार स्वागत अपने एक फिर से एक नए वीडियो में। आज का वीडियो क्या है क्या नहीं है आपने टाइटल तो देखा होगा, फिर मैं बता देता हूँ कि अपनी हंटर 350 जो बाइक है इसकी फर्स्ट सर्विसिंग करने का टाइम आ गया है। क्यों? क्योंकि उसके 500 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। दैट मीन्स सर्विसिंग कराना ज़रूरी है एज़ पर द कंपनी रूल्स। तो आज वही करेंगे कि हमारी बाइक लेके जाएंगे सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर ज़्यादा दूर नहीं है तो वहाँ पे जाके पूरी सर्विसिंग होगी। शोरूम वाले ने जितने टाइम बोला कि पास सर्विसिंग बाइक की फ्री है, फ्री तो बोला है, लेकिन हम भी देखते हैं वहाँ पे जाके क्या क्या चार्जेस वो लगाते हैं। आई थिंक कि उसके लेबर कॉस्ट जो है वो फ्री रहती है, बाकी जो ऑयल चेंज है, बाकी जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें हैं उसके वो चार्जेस लगाते हैं। तो देखते हैं कितना खर्चा आता है कितना नहीं आता है, और वो क्या क्या चेंज करते हैं इस बाइक में, क्या क्या रिफिल करते हैं, क्या ऑयल चेंज करते हैं, एवरीथिंग आज हम देखने वाले हैं। अभी तुरंत बाइक लेके जाते हैं अपने सर्विस सेंटर जो कि शोरूम से काफ़ी नज़दीक है। तो जाने के बाद वहीं पर डायरेक्टली हम मिलते हैं शोरूम में। वीडियो के साथ बने रहिए, मैं दिखाऊंगा कितना खर्चा आता है, क्या जेन्युइनली ये सर्विसिंग फ्री है, ये चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। डीप सर्विसिंग करें जी, पहली सर्विसिंग है। करने आप जहाँ परफेक्ट कर सकते हैं, हाँ हाँ ये तो भी चलेगा, लेकिन वो परफेक्ट होना चाहिए। अच्छा नहीं, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आ जाएंगे। चलिए चलिए, चेंज सेटिंग करते समय हाँ इसको ऑयलिंग करके लेना चाहिए। अच्छा चेंजिंग हर हफ्ते करना है क्या? हर हफ्ते चेंज स्प्रे, चेंज स्प्रे हर हफ्ते, हर हफ्ते ओके, हर महीने या डेढ़ महीने में चेंज सेटिंग करके लेना है। चेन आपकी सेफ्टी रहेगी, सेफ्टी रहेगी। ये जो ब्रेक पैड है हाँ, ये रहता है मेटल दोनों, हाँ इसके ऊपर गैस्केट है बराबर, ये देखिए गैस्केट है, हाँ ये जब खत्म आने को होता है हाँ, तो जो नज़दीक आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जब ये नज़दीक आए चिपक जाएंगे, चिपक लेंगे, चिपक कितना जो चिपक गया 10 mm 20 mm हाँ ये रहेगा, हाँ तो चेंज करके लेना है बराबर, क्योंकि रनिंग पार्ट है बराबर, हमारा कंप्यूटर पैर रहता है, हाँ हाँ तो जाएंगे, नहीं तो नहीं चेंज हुआ तो मेटल मेटल को घस गया तो प्लेट जाएंगे, आप प्लेट जाएंगे, तीन आ जाओ प्लेट। अरे बाबा, ये जो इससे ये चिपकना नहीं चाहिए, इस पर ध्यान देना है, अगर ये चिपक गए तो इसका इसका कांटेक्ट हो गया, फिर वो मेटल प्लेट अपना ख़राब हो जाएगा। यस अच्छा, तो फिर वो प्लेट डालेंगे तो 3000 रुपये की प्लेट है सिर्फ आपको, सर्विस में सिर्फ सर्विस चार्ज फ्री है। ओके 850 रुपये, 850 रुपये फ्री है बस, हाँ अगर इसके अलावा हम जो पार्ट डालेंगे, हाँ जो अभी ब्रेक पैड डाले, हाँ उसके लेबर पार्ट का भी लगेगा, हाँ और सर्विस पार्ट का जो पार्ट ये है वो भी लग जाएगा आपका। अच्छा अच्छा मतलब जो सर्विसिंग फ्री बोल रहे हैं उसमें बस लेबर चार्ज फ्री है, लेबर चार्ज फ्री है, बाकी जो आप यूज ऑयल का आपको देना पड़ता है, हाँ चेन लूप क्लीनर, हाँ इसका रहता है कंज्यूमेबल चार्ज। अच्छा अच्छा, आपको 1200 तक जाकर चले जाए, ठीक है ना, चलेगा। और कितना टाइम लगेगा इसको? डेढ़ घंटा जाता है। मोबाइल नंबर, अभी मैं गाड़ी लेके आया और अंदर लेके गया, तो उन्होंने गाड़ी लेके अंदर चले गए और मुझे उन्होंने कहा कि आप वेटिंग रूम में वेट करो, जो कि ये वेटिंग रूम है आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक टीवी लगाया, एक टीवी लगाया है, मे बी यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ ना कुछ तो कैमरा में, वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, टीवी तो अभी चालू नहीं की है। कस्टमर लॉन्च, और इसे कस्टमर लॉन्च भी कहता है, जो कि यहाँ पे बैठ के हम वेट कर सकते हैं अपने सर्विसिंग होने तक, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं बैठने वाला, मैं जाने वाला हूँ अंदर, क्योंकि मुझे देखना है, मुझे टाइम दिया है कि डेढ़ घंटे में काम कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स सी यार क्या होता है, कैसा होता है, ये फर्स्ट सर्विसिंग है
और आफ्टर फर सर्विसिंग कैसा परफॉर्मेंस रहता है बाइक का, कैसे फायरिंग रहती है, कैसा माइलेज रहता है, मैं हर एक चीज़ में आपको रिव्यू देने वाला हूँ। और अभी तक मैंने कैसा, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस 500 किलोमीटर में, ये भी रिव्यू होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिव्यू का करने वाले हैं जो कि हंटर 350 का होगा। ये रिव्यू होगा 500 किलोमीटर तक कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसा माइलेज रहा, कैसा परफॉर्मेंस रहा, क्या मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और क्या मुझे अच्छी चीज़ें लगी, सब 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 बताऊंगा। और इसके बाद भी आफ्टर वन सर्विस के बाद भी कैसा रहेगा ये भी बताने वाला हूँ। वीडियो साथ जुड़े रहिए। अब जाएंगे हम डायरेक्टली सर्विस सेंटर जहाँ पे अपना बाइक का काम चालू है। देखते हैं यार, चलो जाते हैं अंदर सर्विस सेंटर जहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह होता है, सर्विस होता है। अपना बाइक कहाँ पे है, ये रहा। अभी मैं अंदर गया तो मुझे बोला कि अंदर आना अलाउड ही नहीं है। गजब बेइज्जती कर दी यार इन लोगों ने मेरी। मतलब मैं गया यार, मैं अपनी बाइक देख नहीं सकता सामने से, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ऐसा कौन सा रूल है यार, वो अलाउड नहीं है क्या, ऑपरेशन चल रहा है क्या अंदर, ये अलाउड नहीं कर रहे ये लोग। मुझे तुम लोग बताना यार, आपके जहाँ पे सर्विस सेंटर है या वहीं पे ऐसा रूल है क्या कि जहाँ पे अंदर जाना अलाउड नहीं है सर्विसिंग के टाइम। ऐसे मैंने तो नहीं सुना यार, अंदर जाने देते हैं। तो भाई साहब मैं गया अंदर अभी, तो उन्होंने डायरेक्टली बोला कि सर अलाउड नहीं है अंदर, अब वेटिंग रूम में वेट करो और वेटिंग रूम से देखो हम क्या कर रहे हैं। भाई साहब बहुत बुरा लगा यार, दिल से बहुत बुरा लगा मुझे, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता इतना बुरा लगा मुझे। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने भी उनका रिस्पेक्ट किया और निकल आया बाहर। अभी बैठा हूँ इस वेटिंग रूम में, देख लो यार ये वेटिंग रूम बहुत ही सुना सुना है, सुना सुना। आपको यहाँ से दिखाता हूँ मेरे बाइक का क्या चालू है, सर्विसिंग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन सामने से नहीं दिखा सकता। चलो यहाँ से देखते हैं। ये देखो जी अपनी बाइक का सर्विसिंग, बस यहाँ से ही देखना, अंदर जाना अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है यार। और भी दोस्तों ने दो बाइक के और भी सर्विसिंग चालू है अपने बाइक के वो साइड है। अच्छा हो गया कि इस साइड लगा दी भाई ने अपनी बाइक, यहाँ से देखने तो मिल रहा है। वो भाई साहब भी बड़े गजब है यार, अंदर कान में हेडफोन डाल के बातें करते करते मस्त अपना काम कर रहे हैं। सही है बेटा सही है, बस काम ठीक से करियो, नहीं तो इधर का उधर कर दियो ना, तो फिर देख लेना तू। देखते हैं अभी, वेट करेंगे दोस्तों ये होने तक। अबे वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे कोई समझ में नहीं आएगा अपने, तो फिलहाल अपना ये वेटिंग रूम वेट करते हैं। भाई साहब ये टायर से और इंजन से तो मुझे हंटर ही लग रहा है, पूरा खोल दिया है इसको, तो पूरा खोल दिया है इसके सब पार्ट यहाँ पे। गाड़ी अभी आ गई है वॉश, और नीचे से क्यों इतना धुआं निकल रहा है, अभी वॉश करेंगे तो पूरी तरह चमकेगी अपनी गाड़ी। तो फाइनली अपनी बाइक की सर्विसिंग हो गई है। अभी मैं आया अपने फिर से अपने ही जगह पर, अपने ही पार्किंग में, पर भाई शोरूम वाले ने पूरी बाइक वॉश विश करके दी थी, लेकिन आते टाइम इसमें रास्ते पे बहुत ज़्यादा कीचड़ थी, बहुत बाइक गंदी हो गई है अपनी। लेकिन कोई बात नहीं, अभी बारिश के दिनों में ऑब्वियसली बाइक तो ऐसा एकदम ये तो क्लीन तो नहीं रहेगी, ऑब्वियसली नीचे टायर वायर ये चेन कवर वगैरह सब तो गंदे हो ही जाएंगे, इसमें कुछ कर नहीं सकते हम लोग। लेकिन सर्विसिंग अपनी हो गई है, लेकिन अपने को कितना खर्चा आया कितना नहीं आया मैं अभी आपको बताऊंगा, और वो उसका स्लिप जो देते हैं बिल भी मैं दिखाऊंगा। मेरे को ओवरऑल खर्चा सर्विसिंग को आया 1,080 रुपये आया, इसमें उन्होंने लेबर कॉस्ट फ्री है, बाकी जो चीज़ें उन्होंने ऑयल चेंज किया टॉप अप किया है, और दूसरा तो उसका जो एयर फिल्टर जो है
बाइक का वो एक चेंज किया है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो थोड़ा सा ग्रेस वगैरह करते हैं, ब्रेक पे ग्रेस करते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अपना जो चैन है, चैन हर हफ्ते में आपको पुल स्प्रे जो बोलते हैं वो कराना है, और हर महीने, हर डेढ़ महीने के बाद आपको चैन सेट करके लेनी है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके अलावा सर्विसिंग का कोई ऑयल वगैरह उन्होंने अच्छे से ठीक से फिल कर दिया है। खर्चा मेरे को आया है 1,080 रुपये बिना किसी, ये फ्री उन्होंने बोला था, लेकिन उतना आया है जो मटेरियल कॉस्ट का उन्होंने बताया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हो दोस्तों बता देना, और अभी तक आपने चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए आप वेट करते रहिए। मिलते हैं ऐसे एक दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगला वीडियो में आपने इसके माइलेज पे बनाने वाला हो कि इसका क्या माइलेज आएगा, अभी तक इसने कितना दिया है, और उन्होंने बोला है कि आफ्टर वन सर्विसिंग माइलेज बढ़ता है, क्या सच में बढ़ चुका होगा ये हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे। इसलिए नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके माइलेज पे, आपको पूरा जेन्युइन व्यूअर ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ इस बाइक का।